नमस्कार मोहन जी। आइए आइए गोपाल जी, अच्छा हुआ आप आए। आपके लिए एक जरूरी जानकारी है। आपको तो याद होगा, पिछले हफ्ते हम प्रताप जी की फसल में नकली दवाई से हुए नुकसान की बात कर रहे थे। जी हाँ याद है, ये समस्या गंभीर है, पर इससे बचाव का कोई रास्ता भी नहीं है। अब रास्ता है। धानुका के एक सज्जन आए थे, मैंने ये समस्या उनको बताई। उनसे मालूम पड़ा कि लाखों किसान इस समस्या से जूझ रहे हैं। नकली दवाइयों के नियंत्रण के लिए सरकार ने भी नए नियम लागू किए हैं। अच्छा? जी हाँ, धानुका कंपनी ने सरकार के नियमों के अनुसार एक आधुनिक पहल की है, जिससे हम और आप स्वयं उत्पाद की असलियत जान सकते हैं। अरे वाह, क्या ये वास्तव में संभव है? जी हाँ गोपाल जी, धानुका ने आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करके हमें असलियत की जांच में आत्मनिर्भर बना दिया है। धानुका ने अपने लगभग हर उत्पाद पर QR कोड को शामिल किया है। उत्पाद पर बैच नंबर के नजदीक ही QR कोड उपलब्ध होगा। QR कोड को स्कैन करने की सरल प्रक्रिया से हम उत्पाद की असलियत जान पाएंगे। अगर दवाई पर QR कोड नहीं है तो धानुका होलोग्राम से असलियत जान सकते हैं। क्या असलियत जांचना इतना सरल है? मुझे भी जानना है। अरे बिल्कुल गोपाल जी, मैं स्वयं आज 15 से अधिक उत्पाद जांच चुका हूँ। बस आपके फोन कैमरा, गूगल लेंस या QR कोड ऐप से QR कोड स्कैन करें, कुछ साधारण जानकारी डालें और उत्पाद की असलियत स्वयं देखें। और यही नहीं, असलियत के साथ साथ हम उत्पाद की विविध जानकारी जैसे फसल रोग, लगाने का तरीका, बैच नंबर आदि भी सब साथ में जान सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए हम धानुका के उपभोक्ता सहायक से बात भी कर सकते हैं। अच्छा, अब आप बताएं कैसे आना हुआ? जी, टमाटर की फसल के लिए धानुका का जेनेट चाहिए था। ये लीजिए। क्या इसकी असलियत भी हम जान पाएंगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं, बस QR कोड स्कैन करें और अपनी फसल को नकली दवाई से बचाएं। अरे लाखों किसानों ने कोड स्कैन करना शुरू भी कर दिया है। धन्यवाद मोहन जी, मैं इसका प्रयोग जरूर करूंगा और साथ ही किसानों को भी इसके बारे में जरूर बताऊंगा। धानुका, इंडिया का प्रणाम हर किसान के नाम।